हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पर आप अपने वन प्लस नॉर्ड स्मार्टफोन को कैसे ऑक्सीजन ओएस 11 के ओपन बीटा 1 पर अपडेट कराएं। फिलहाल में मेरा यह डिवाइस 10.5.10 के स्टेबल वर्जन पर रन कर रहा है। तो अपडेटेशन कराने के लिए आपको सबसे पहले काम करना है, रोम को डाउनलोड कर लेना है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, मेरी नॉर्ड ऑक्सीजन की जो फाइल है वो यहाँ पर 2.91 GB की फाइल डाउनलोडेड है। यहाँ पर आपको zip.jar देखने को मिल जाएगा, इसे आपको रीनेम करना है। कुछ यहाँ से सेलेक्ट करते हुए रीनेम पर आपको टैप करते हुए और इस फाइल से .jar में से .jar और .dot को रिमूव कर देना है और बाकी का फाइल साइज सेव कर देना है कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर स्टोरेज पर टैप करना है, इंटरनल स्टोरेज में जाना है और डाउनलोड के फोल्डर से इस फाइल को उठा लेना है कुछ इस तरीके से। टिक करते हुए इसे यहाँ से कट करके आपको इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट करा देना है, या फिर आप ऑक्सीजन अपडेटर एप्लीकेशन से डाउनलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी डायरेक्ट पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम पर टैप करना है, सिस्टम अपडेट पर टैप करना है, सेटिंग पर जाना है, लोकल अपग्रेड पर जाना है और यहाँ से फाइल को आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है कि आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पर कोई भी डिलीट नहीं होगा। दिस सिस्टम अपडेट विल नॉट अफेक्ट योर डेटा, हाउ एवर टू इंश्योर योर डेटा इंटीग्रेटली प्लीज़ परफॉर्म ए बैकअप। तो यहाँ पर आपको बैकअप बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका डेटा यहाँ पर इंटीग्रेटली बिल्कुल ही सेफ रहेगा और यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप इंस्टॉल नाउ कर सकते हैं। परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका डिवाइस ऑक्सीजन ओएस 10 के साथ में एंड्रॉइड वर्जन 10 पर था, तो यहाँ पर आपको बैकअप लेना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पर अपडेट कराएं तो बैकअप बनाने के लिए आपको कुछ वन प्लस स्विच एप्लीकेशन का यूज़ करना होगा, जिसके जरिए आप न्यू बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी चीज़ों को सेलेक्ट करते हुए वन प्लस लॉन्चर और सिस्टम सेटिंग को छोड़ करके आप बैकअप नाउ करके यहाँ पर अपना बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। पूरा बैकअप आपका क्रिएट हो जाए तो वो आपको आपके फाइल मैनेजर में देखने को मिल जाएगा। एक नया फोल्डर बन जाएगा OP बैकअप के नाम से। इस फोल्डर को आपको अपने किसी और डिवाइस पर पेस्ट करा देना है तो ये आपका बैकअप सेव हो जाएगा। और उसके बाद में अपडेट कराने के बाद आपको अपने डिवाइस को यहाँ पर फैक्ट्री डेटा रीसेट करना होगा, क्योंकि अगर आप बीटा 1 पर आते हैं फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर आपको कुछ बग देखने को मिलेंगे मेजर। तो इस कारण से आपको ऐसा कुछ करना पड़ सकता है। तो फिलहाल में आपके लिए ये एक खास तरीका है। तो जैसा कि इंस्टॉल प्रोसेस कंप्लीट हो गया है 100%, आपको इसके अपडेट का चेंज लॉग नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दिस वर्जन हैज नो चेंज लॉग लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। अब आपको रिबूट करा देना है कुछ इस तरीके से और अब थोड़ी देर आपको इंतज़ार करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर पेशेंस बनाए रखना है। रिबूट करने पर ये डिवाइस आपको थोड़ा सा डरा देगा, यहाँ पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो आप पेशेंस बनाए रखें। तो जैसे ही यहाँ पर आपका इंतज़ार खत्म होगा और ये डिवाइस ऑन हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल लेना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी डेटा आपका इरेज नहीं हुआ होगा। परंतु अब आपको यहाँ पर फ़ोन को फैक्ट्री डेटा करना रिक्वायर्ड बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो यहाँ पर इशू आपको दे सकती हैं। तो आपको मैं सबसे पहले दिखा दूँ कि मेरे डिवाइस का जो वर्जन है वो यहाँ पर क्या देखने को मिल जाता है। तो अबाउट फोन पर जाकर के आप देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन 11 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। बिल्ड नंबर आपको ये कुछ आता है, साथ में एंड्रॉइड वर्जन पर टैप करते ही 1 दिसंबर का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेच लेवल गूगल प्ले सिस्टम अपडेट 1 अक्टूबर का देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ अपडेट के साथ में आप अपने डिवाइस को अपडेट करा सकते हैं। साथ में अगर आपको लैग जैसी इशू देखने को मिले तो आपको यहाँ पर फैक्ट्री डेटा रीसेट करना रिक्वायर्ड हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ इस तरीके से आप अपने डिवाइस को अपडेट करा सकते हैं। लिंक मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप ऑक्सीजन अपडेटर एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू।